घरों में एक बार फिर एक दुखिया पत्नी, एक बूढ़ी माँ और दो छोटे छोटे बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। विपत्ति की मार झेलने वाला यह परिवार बोकारो के सेक्टर 6 स्थित श्री शिव मंदिर के पीछे स्थित झोपड़पट्टी में रहता है। अपनी मेहनत और मशक्कत से इस पूरे परिवार को चलाने वाला संतोष कुमार के साथ भी वही घटना घटी है जो राजू दास के साथ घटी थी। यानी संतोष कुमार एक रोड एक्सीडेंट की चपेट में आ गया और इस एक्सीडेंट से वह बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया। संतोष कुमार जो इलेक्ट्रिक का काम कर अपना और अपने पूरे परिवार, अपनी बूढ़ी विधवा माँ, पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण करता था, सड़क दुर्घटना की वजह से गंभीर रूप से घायल संतोष कुमार जब सड़क पर ही खून से लथपथ तड़प रहा था तो इस परिवार के पास उसके इलाज के लिए भी पैसे न थे। तो अभी इस परिवार एक बूढ़ी विधवा माँ, एक पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चों की क्या स्थिति होंगी आप समझ सकते हैं। संतोष कुमार को सड़क पर तड़पता देख और इस पूरे परिवार को रोता बिलखता देख यहाँ रह रहे लोगों का इन पर तरस आ गया और फिर सभी ने चंदा मांगकर जितने पैसों की व्यवस्था हुई उससे संतोष कुमार को BGH में भर्ती तो करा दिया। संतोष कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ICU में रखा है। अब जिस परिवार के पास संतोष कुमार को BGH पहुंचाने तक के पैसे नहीं थे, वह परिवार BGH और वह भी ICU का खर्च कैसे उठा पाएगा। जो कमा रहा था वह जब हॉस्पिटलाइज हो गया तब यह पूरा परिवार एक साथ दो दो विपदा से जूझ रहा है। संतोष कुमार के इलाज के लिए इनके पास तो पहले ही कुछ नहीं था, अब खाने पीने के भी लाले इस परिवार को पड़ गए हैं। इस परिवार में दो दो माएं अपने अपने बच्चों को रोता तड़पता देख इनका कलेजा जैसे मुंह को आ गया है। जरा देखिए इन दो छोटे छोटे बच्चों को, इस दहाड़ मारकर रो रही महिला को और इस सबके दुख से टूट सी चुकी इस बूढ़ी माँ को। विपदा की इस घड़ी में जब इस परिवार को कहीं से कोई मदद मिलता नजर नहीं आया तो इस परिवार ने भी वही किया जो जिंदगी के बुरे दौर में गुजर रहे बोकारो के सभी लोग, सभी शहरवासी करते हैं। मदद हेतु हिमांशु से आग्रह, दर्जनों जरूरतमंद परिवारों की मदद कर उन्हें मुश्किलों से उबार कर हिमांशु ने अपनी जो छवि बनाई है उससे देखते हुए इस दुखिया परिवार को भी इस कष्ट की घड़ी में एक ही शख्स याद आया, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु। वैसे तो हिमांशु उनके पास पहुंचने वाले हर जरूरतमंद की मदद करते हैं, लेकिन समस्याओं और विपदाओं की इस घड़ी में जब भी बच्चों की बात आती है तो हिमांशु अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इन मासूम और बेकसूरवार बच्चों को जरा ध्यान से देखिए, इन्हें इस हालत में देखकर भला किसकी आत्मा नहीं कल्पेगी। इन बच्चों को ऐसे यूं तड़पता सुनकर और देखकर गजेंद्र प्रसाद हिमांशु भी अपने आप को रोक नहीं पाए और इनकी मदद की उम्मीद में इनके पास पहुंचे। हिमांशु के इस झोपड़पट्टी में पहुंचने पर इस नाउम्मीद परिवार के साथ साथ यहां रह रहे लोगों में भी उम्मीद जगी कि अब उनका दोस्त और इस परिवार का संतोष जरूर ठीक होकर वापस आ जाएगा।
हिमांशु को देखकर संतोष कुमार के पड़ोसी इतने अपेक्षित हो चले कि आज भी उन्होंने जिससे जितना हो सका चंदा किया और हिमांशु को उसे सौंपते हुए इस मदद की मुहिम की शुरुआत की। एक बार फिर आपका शहर, दो छोटे छोटे बच्चे, एक विधवा बूढ़ी माँ और एक विवश महिला मदद का आसरा लगाए आप सभी शहरवासियों का रास्ता ताक रही है। आपके साथ आने की आस में ही हिमांशु ने इस बच्चों के सिर पर विश्वास और भरोसे का हाथ रखा है। उम्मीद है आप सजग शहरवासी ना इस परिवार को मझधार में छोड़ेंगे और ना हिमांशु की उम्मीद को। पाएगा विश्वास के लिए दुख जाएगा, सुख आएगा, दुख जाएगा, सुख आएगा। मेरे दिल, मेरे प्यार, मेरे दिल, मेरे प्यार, दुख जाएगा, दुख आएगा। कोना बीते कल के लिए दुख जाएगा, सुख आएगा, दुख जाएगा, सुख आएगा।